आज आसान भाषा में हम बात करेंगे अगस्ता वेस्टलैंड चॉपर स्कैम की। बड़े लोग हेलीकॉप्टर को चॉपर कहते हैं, जो लोग और बड़े होते हैं वो चॉपर के नाम पर घोटाले कर लेते हैं। ऐसा ही एक घोटाला है, अगस्ता वेस्टलैंड चॉपर घोटाला। आज दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने इस केस में पूर्व वायुसेना प्रमुख SP त्यागी और उनके रिश्तेदारों को जमानत दी है। हम बात करेंगे क्या है ये घोटाला, इसमें कांग्रेस के नेताओं से लेकर वायुसेना के पूर्व प्रमुख तक का नाम आ गया। अगस्ता वेस्टलैंड क्या है? एक एंग्लो इटालियन कंपनी है। इसकी मालिक कंपनी फिनमेकैनिका हेलीकॉप्टर है। इस कंपनी का काम हेलीकॉप्टर डिजाइन करना और हेलीकॉप्टर बनाना था। 2016 में इस कंपनी का नाम बदलकर लियोनार्डो हेलीकॉप्टर्स कर दिया गया। अब सवाल यह है कि VVIP हेलीकॉप्टर घोटाला क्या है? इसमें भारत के नेताओं और सेना के अफसरों पर हेलीकॉप्टर खरीदने के बदले घूस लेने का आरोप लगा है। VVIP लोग जैसे भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और सेना प्रमुखों की सवारी के लिए 12 हेलीकॉप्टर खरीदे जाने थे। ये पूरा सौदा लगभग 3600 करोड़ रुपए का था, जिसमें से 10% यानी 360 करोड़ रुपए घूस में देने की बात सामने आई थी। हेलीकॉप्टर की कीमत जिस बैठक के दौरान तय हुई थी उसमें UPA के कुछ मंत्री भी मौजूद बताए गए। इसी कारण कांग्रेस के नेताओं के नाम भी उछले। हेलीकॉप्टर लेने की आखिर जरूरत क्यों पड़ी? साल 2000 में भारत VVIP सवारियों के लिए MI-8 हेलीकॉप्टर इस्तेमाल कर रहा था। तब एयरफोर्स ने रक्षा मंत्रालय और PMO को ये सलाह दी कि अगले 10 सालों में इन हेलीकॉप्टर्स को बदलना होगा। हमें ऐसे हेलीकॉप्टर्स की जरूरत थी जो 6000 मीटर की ऊंचाई पर भी उड़ सके। वहां से नए हेलीकॉप्टर लेने की प्रक्रिया शुरू हुई। सौदे में कब क्या हुआ? 2003 में इस डिमांड में कुछ बदलाव हुए। बाद के सालों में रक्षा मंत्रालय ने इसमें एक नई चीज जोड़ी, इंटीग्रिटी पैक्ट। इसके मुताबिक कंपनियों को यह लिख के देना होगा कि 1 अरब से ज्यादा के सौदों में किसी किस्म की घूस या बिचौलिए की मदद नहीं लेंगे। इस पैक्ट के जुड़ने के बाद कुछ कंपनियों ने अपने हाथ इस डील से पीछे खींच लिए। अब सिर्फ 2 कंपनियां ही सौदे में बची थी, सिकोर्सकी और अगस्ता वेस्टलैंड। ये 2007 के आसपास की बात, अगले 2 साल टेस्टिंग वगैरह में बीत गए। 2010 में सौदा पक्का हुआ। अगस्ता वेस्टलैंड के AW101 को सौदे के लिए चुना गया। 2012 में पहला हेलीकॉप्टर आ गया। उसके बाद 2 और हेलीकॉप्टर आए, बाकी 9 भी आते, लेकिन उसमें पहले ही 2013 में घोटाला सामने आ गया। AW101 को खरीदने की क्या वजह बताई गई है, चलिए आपको बताते हैं। इसका एयर फ्रेम यानी मैकेनिकल स्ट्रक्चर मजबूत था, इंजन भी 3 लगे थे। इस हेलीकॉप्टर में 10 VVIP पैसेंजर को बिठाने की जगह थी। इसमें 360 डिग्री का सर्विलेंस रडार लगा था। हेलीकॉप्टर के पिछले एग्जिट तक गाड़ियां लगाई जा सकती थी। अब सवाल यह है, घोटाले की बात कब सामने आई? घोटाले से जुड़ी खबरें 2013 में सामने आने लगी। UPA सरकार सत्ता में थी, उसने इस कॉन्ट्रैक्ट पर रोक लगा दी। तब तक 30% पैसे दिए जा चुके थे। फिर इटली की एक कोर्ट का फैसला आ गया। 2014 में सौदे को रद्द कर दिया गया, वजह वही इंटीग्रिटी पैक्ट कही गई। पूर्व एयर चीफ SP त्यागी समेत 18 लोगों पर केस दर्ज हुए। क्या था इटली की कोर्ट के फैसले में? फिनमेकैनिका के पूर्व प्रमुख गुसेप ओर्सी पर फर्जी बिल बनाने, गलत अकाउंटिंग और करप्शन करने के लिए 4.5 साल कैद हुई। अगस्ता वेस्टलैंड के पूर्व CEO बुर्नो स्पागोलिनी को भी अदालत ने 4 साल की जेल की सजा दी। आरोप ये था कि इन दोनों ने फर्जी बिल तैयार किए ताकि पैसे के हेरफेर कर वो पैसे घूस में दे सके। वायुसेना के पूर्व प्रमुख का नाम आया कहां से, कैसे आया, सवाल ये खड़ा होता है। SP त्यागी 2004 से 2007 तक वायुसेना अध्यक्ष थे। उन पर दलाली के आरोप लगे। ये बात सामने आई कि SP त्यागी और उनके 3 रिश्तेदारों को कैश और वायर ट्रांसफर के जरिए घूस दी गई थी। इटली की अदालत ने जो फैसला सुनाया उसमें भी उनका नाम था। आरोप यहां तक लगे कि अगस्ता के खर्चे पर उन्होंने मिलान का ट्रियोट्रो आला स्काला ओपेरा देखा था और सौदे की शर्तें भी बदली। आरोप AK एंटनी, मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी पर भी लगे। सबसे ज्यादा नाम अहमद पटेल का उछाला गया। अब सवाल है कि अब क्या? फिलहाल SP त्यागी और उनके 2 भाइयों को जमानत मिल गई है, लेकिन अगस्ता वेस्टलैंड का नाम फिर खबरों में आ गया है। इसलिए BJP, जो कि
राफेल के मुद्दे पर घिरी है, कांग्रेस को हेलीकॉप्टर के मुद्दे पर घेरने की कोशिश करेगी।